तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फिल्मोरा 10 में वीडियो को एडिट कैसे करते हैं। तो ये पहली वीडियो है, आपको पूरी सीरीज मिलेगी। तो चलिए सीधे हम कंप्यूटर पर चलते हैं। कंप्यूटर पर आने के बाद हमको वंडरशेयर फिल्मोरा पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है वंडरशेयर फिल्मोरा को। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आपके सामने आएगा, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी तरीके से आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, पहले इस सरफेस को हम समझ लेते हैं। जैसे ही वंडरशेयर फिल्मोरा का 10 ओपन होगा आपके सामने, उसका सरफेस इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको मिलता है आपको जो वीडियो एडिट करना है वो किस रेशियो में एडिट करना है। मान लीजिए कि वाइड स्क्रीन करना है या फिर इंस्टाग्राम के लिए करना है, पोर्ट्रेट मोड में, स्टैंडर्ड मोड में, सिनेमा मोड में, ठीक है। तो बेसिकली हम 16:9 वाला यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की, जैसे कि मान लीजिए कि यूट्यूब के लिए ही वीडियो एडिट करना है, 16:9 वाला यूज करेंगे। और अगर इंस्टाग्राम के लिए या फिर शॉर्ट्स के लिए वीडियो आपको, या फिर इंस्टाग्राम रील्स के लिए वीडियो एडिट करना है, तो ये 1:1 वाला यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन न्यू प्रोजेक्ट का, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से सरफेस दिखेगा, ठीक है। तो ये पहला हमें मिलता है मीडिया टैब, ठीक है, कि जो भी आप फाइल्स आप यूज करेंगे, जो भी फाइल्स अटैच करके यूज करेंगे वो हमें यहाँ से मिल जाता है। सेकंड आपको मिलता है ऑडियो, यानी कि जो भी ऑडियो क्लिप्स आपको मिलेंगे, यानी कि इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिलते हैं, तो इन सबको आप यूज कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है टाइटल्स, ठीक है, यानी कि बहुत सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट्स आपको मिल जाता है, लोअर थर्ड मिल जाता है, जिनका यूज आप अपनी वीडियो में कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा है वो है ट्रांजिशन, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं जो हम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। पांचवा है इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स में भी हमें बहुत सारे इफेक्ट्स, तरह तरह के इफेक्ट्स मिलते हैं जिनका यूज हम अपनी वीडियोज में कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स वाले ऑप्शन में भी आपको अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। अगर आपको वीडियो में उस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप इनका भी यूज अपनी वीडियोज में कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि एक ही वीडियो में आप देखते होंगे कि 2-3 वीडियो क्लिप को एक ही क्लिप के अंदर दिखाया जाता है, हाफ 1:1 करके, हाफ बाई हाफ बांट करके दिखाया जाता है, या फिर 2 भागों में या फिर 3 भागों में अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो इस चीज़ को हम यूज करने के लिए स्प्लिट स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें हमें वीडियो एडिट करने के लिए क्या करना है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एकदम से बेसिकली बताता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये मीडिया वाला जो टैब है इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि अगर आप फिल्मोरा ओपन भी करेंगे तो डायरेक्ट यहीं पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लस का दिख रहा है, यानी कि ये जो सरफेस दिख रहा है, इस पर आप कहीं भी डबल क्लिक कीजिएगा, आपकी फाइल्स ओपन हो जाएंगी कंप्यूटर की। तो मैं फिर से कट करता हूँ, यानी कि अब मान लीजिए कि हमें कोई वीडियो एडिट करनी है, तो ये जो एरिया है सिंपल से इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी आपने अपनी कोई वीडियो रखी हुई है, उसमें से जो भी वीडियो आपको एडिट करनी है, उस वीडियो पर जा करके इस तरीके से आप जा करके डबल क्लिक करेंगे, वो वीडियो सिलेक्ट होकर के ओपन हो जाएगी। मान लीजिए कि मुझे ये वाली वीडियो एडिट करनी है, तो क्या करूँगा मैं कि इस पर डबल क्लिक कर दूँगा। जैसे ही डबल क्लिक करूँगा, ये वीडियो देखिए हमारा यहाँ पर आ गई। अब इस वीडियो को हमें कहाँ लेना है, यहाँ लेयर पे, इस लेयर पे आएगी वीडियो हमारी, तभी एडिट हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर अगर क्लिक करें तो हमारी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, या फिर यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करके खींच करके भी आप यहाँ पे ला सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, हमारी वीडियो देखिए यहाँ पे लेयर पे आ गई। तो अब नेक्स्ट चीज़ देख लीजिए कि हमारी वीडियो जब यहाँ पे आएगी, तो इस वीडियो का सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने मिलेगा, यानी कि ये जो सरफेस है यहीं पे हमें सब कुछ देखने को मिलेगा कि हमारी वीडियो में जो जो इफेक्ट्स हम लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें करेंगे वो हम इस वर्क प्लेस पे सारी चीज़ें देखते जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी वीडियो के एंड पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आता हूँ। देखिए मैं वीडियो के स्टार्ट पे आ गया, अगर मैं क्लिक करके हमारी वीडियो इस तरीके से प्ले हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी वीडियो इस तरीके से प्ले होकर के चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बारी बारी से हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे ही सीखेंगे बट अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अब ये वीडियो हमारी चल रही है। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि हमारी वीडियो जब आ गई, तो इस वीडियो में मान लीजिए कि इस वीडियो का कोई हिस्सा हमें कट करके अलग कराया है, तो हमें मान लीजिए कि हमारी वीडियो ये है, ये वीडियो चल रही है, पोस्ट करके हमारी वीडियो चल रही है, अगर इस वीडियो का कोई हिस्सा कट करना है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, ये हिस्सा हमारी वीडियो का फालतू है, तो इस तरीके से क्लिक करके ये वीडियो सिलेक्ट रहना चाहिए। जैसे देखिए ये वीडियो अभी सिलेक्ट है, इसके चारों तरफ व्हाइट कलर का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये वीडियो अभी सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ इधर क्लिक करूँ तो ये देखिए बॉर्डर हट गया। तो वीडियो पे एक बार क्लिक करेंगे, वीडियो सिलेक्ट हो गई।
जैसे ही वीडियो सिलेक्ट होगी और जहाँ पे भी आपको कट करना है वहाँ पे इस ऑरेंज कलर वाले लाइन को वहाँ पे कर देना है जहाँ पे भी आपको वीडियो कट करनी है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से वीडियो कट करनी है तो मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा। और उसके बाद इस पे ही देखिए, यहाँ पे कैंची का एक इमेज दिख रहा होगा, कैंची का एक लोगो है, इस पर कैंची वाले पे ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये वीडियो यहाँ से कट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो का ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए तो डायरेक्ट इस पर सिलेक्ट करके मैं डिलीट करूँगा, ये हिस्सा डिलीट हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये हिस्सा मुझसे डिलीट हो गया गलती से, तो उसको वापस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जेड दबाऊँगा कीबोर्ड पे, वो वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे इस वीडियो का कोई बीच कहीं से चाहिए, मान लीजिए कि ये वीडियो ठीक है, यहाँ से हमने कट किया, और मान लीजिए कि ये जो पूरा हिस्सा है ये हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कैंची वाले पे क्लिक करूँगा, और फिर ये जो हमारी वीडियो है इस पर एक बार सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से डिलीट की प्रेस करूँगा, हमारी वीडियो डिलीट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के किसी भी हिस्से को कट करके अलग कर सकते हैं, यानी कि आपकी वीडियो में जो भी अननेसेसरी हिस्सा होगा उसको इसी तरीके से आपको कट करके हटा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं कि हमारी जो वीडियो है इसको हम इस तरीके से जब क्लिक करेंगे सेलेक्ट होगी तभी हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है डिलीट का, ये वीडियो हमारी यहाँ पे सिलेक्ट है, अगर मैं इस डिलीट वाले पे क्लिक कर दूँ तो हमारी वीडियो डिलीट हो जाएगी, हमारी वीडियो डिलीट हो गई। और अगर मुझे ये वाला हिस्सा वापस चाहिए तो हम कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, या फिर ये जो एरो का चिन्ह दिख रहा है इस पर भी अगर एक बार क्लिक करूँ तो ये वीडियो हमारी वापस से आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें करनी है। और यहाँ पे ये देखिए कैंची का निशान है, तो इस पर क्लिक करके हम वीडियो को कट कर सकते हैं। और इसके बगल में है क्रॉप का ऑप्शन, अगर आपको अपने वीडियो को क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रॉप पे एक बार क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए कि इस वीडियो को मुझे क्रॉप करना है तो मैं इस तरीके से करके भी जितना चाहूँ इस वीडियो को क्रॉप कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे देखिए रेशियो दिया गया, तो यहाँ पे रेशियो वाले पे क्लिक करेंगे। अब मुझे किस रेशियो में इस वीडियो को क्रॉप करना है वो इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे 1:1 में करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए इस तरीके से हमारी वीडियो क्रॉप हो गई। तो इस वीडियो का इतना हिस्सा ही हमें दिखाई देगा, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर आप ओरिजिनल रेशियो पर क्लिक करके अपने तरीके से भी इसको जितना चाहे उतना इस तरीके से करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए कि देखिए मैं इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से क्रॉप कर देता हूँ, देन ओके प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से हो गया। अगर मैं अब वीडियो को प्ले करूँ तो चल जाए इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो वीडियो हमारी क्रॉप हो गई है, यानी कि क्रॉप होगी तो हमारी वीडियो थोड़ा सा जूम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसी के बगल में, ये तो हमारा क्रॉप वाला ऑप्शन था, क्रॉप वाले के बगल में एक और ऑप्शन आपको मिलता है स्पीड। तो स्पीड पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं कि अपनी वीडियो को स्लो कर सकते हैं, या फिर फास्ट कर सकते हैं, या फिर फ्रीज फ्रेम कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो हमारा वीडियो क्लिप है जितना ये सिलेक्ट है, इसको अगर स्लो करना है मुझे, इसको अगर स्लो करना है तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे इसको वीडियो पहले ही वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ये जो है स्लो वाले ऑप्शन पे आएंगे। स्लो वाले ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि कितना स्लो करना है, 0.5, 0.25, 0.1। तो आपको जितना स्लो करना है आप उस पर क्लिक करके उसको स्लो कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे 0.5 करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब देखिए देखिए हमारी वीडियो कितनी स्लो में धीरे होगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको और स्लो करके आपको दिखाता हूँ, इस पर सिंपल से क्लिक करेंगे, स्लो पे आएंगे और 0.25 पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये वीडियो और स्लो धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। और अगर इसी को हमें फास्ट करना है तो फिर से हम सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे, फास्ट पे आएंगे। अब आपको फास्ट कितना करना है, 2x, 4x, 8x, 20x, 50, 100, जो भी आपको करना है वो उस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 8x करता हूँ, और तो 8x जैसे ही किया तो ये देखिए ये क्लिप इतने ही एरिया में कंप्लीट हो गई। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए तो ये इस तरीके से स्पीड हो गई हमारी वीडियो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, मान लीजिए कि आप तो समझ ही चुके हैं होंगे कि इस तरीके से अपने वीडियो को स्लो और फास्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बगल में एक नेक्स्ट ऑप्शन है कलर करेक्शन का, ठीक है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे है कलर करेक्शन, इस पर क्लिक करके हम अपने वीडियो का कलर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट्स हमें दिए रहते हैं कि इनमें से किसी भी सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो का जो कलर है उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। देखिए जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये उस तरीके से होते जा रहा है।
तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट की एक वीडियो में सीखेंगे, एक स्पेशल वीडियो आपको मिलेगी जिसमें कलर करेक्शन हम करना सीखेंगे। तो ऐसे अगर आप चाहें तो बेसिकली इनमें से भी किसी पे भी क्लिक करके आप अपने वीडियो का कलर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बहुत सारे यहाँ पे भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर जैसे कि आप अपने वीडियो में क्रोमा की का यूज करते हैं तो इसके थ्रू हम आप अपने वीडियो में क्रोमा की का यूज करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक अच्छे तरीके की वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर वे में, जिसमें आपको क्रोमा की के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कि अगर हम वीडियो में किसी तरीके का कोई चीज़ लगाते हैं तो उसके ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए ये चीज़ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाता हूँ अपने हाथ के ऊपर और मेरा हाथ जहाँ जहाँ जाएगा वो चीज़ भी अब मेरे हाथ के साथ साथ ही चारों तरफ मूव करेगी, ठीक है। मेरे हाथ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी, मतलब कि मेरे हाथ जहाँ जाएगा वो पिक्चर भी साथ साथ जाएगा। तो उसको हम ट्रैकिंग के थ्रू ये सारी चीज़ सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। और ये लास्ट स्टेप बच गया, तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये उसी से रिलेटेड ये भी है, इसमें भी उसी तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन हो गया फिल्मोरा का सरफेस, इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपने समझ ली, ठीक है। एक इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये देखिए यहाँ पे एक प्लस और माइनस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो का ये जो टाइमलाइन है ये बड़ा होगा। अगर मैं इस पर और क्लिक करूँ तो ये देखिए ये बड़ा हो गया, और अगर इसके माइनस पर क्लिक करूँ तो ये छोटा हो गया, ठीक है। तो जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो इसका यूज करते हैं कि मान लीजिए कि आपकी वीडियो में हर एक चीज़ बारीकी से आपको देखना है, कहाँ पे वॉल्यूम कम है ज़्यादा है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम यहाँ पे प्लस करके बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर आपको अपने वीडियो में सब कुछ देखना है प्ले करके, तो यहाँ पे क्लिक करके जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारी ये जो वीडियो है, जो वीडियो आप एडिट कर रहे हो उसको आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हो प्ले करके, कि मतलब कि जो आपने एडिट किया तो कौन सी चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं, यहाँ पे क्लिक करके उसको पूरी तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस से आ जाता हूँ। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे है स्पीकर वाला, ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो। यानी कि अभी जब आप वीडियो एडिट करोगे तो आपको कितना वॉल्यूम सुन करके वीडियो को एडिट करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो कम या ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बगल में एक ऑप्शन आपको मिलता है कैमरा का आइकन, ये जो दिख रहा है ये स्नैपशॉट के लिए है। यानी कि इस वीडियो का कहीं से भी स्नैपशॉट लेना है, यानी कि जैसे कैसे आप स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट लेते हो, तो समझ लीजिए कि अगर इस वीडियो का ये वाला पिक्चर मुझे चाहिए, ये वाला ये क्लिप का ये पिक्चर मुझे चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल से मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा इसका एक स्नैपशॉट मेरे पास आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इस तरीके से हमारा इमेज यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जूम लेवल है, कि मतलब जूम ये कितना है, ये फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट है या फिर 10% आपको जूम करना है, 50% जूम करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम धीरे धीरे आगे की वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का, यानी कि जब हम अपनी वीडियो को पूरी तरीके से एडिट कर लेते हैं तो एडिट करने के बाद सिंपल से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको यूट्यूब पर अपलोड करना है या फिर जहाँ पर भी अपलोड करना है हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिल्मोरा के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसमें अपने वीडियो को किस तरीके से एडिट करना है, ऑडियो टेक्स्ट ट्रांजिशन इफेक्ट एलिमेंट्स जो है इनका यूज किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।